तो हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। देखो, इस वीडियो में मैं आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट और ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल भी रहने वाला है। देखो, आप अगर ऑनलाइन शॉपिंग करते हो और उसमें आपके साथ किसी भी टाइप का फ्रॉड हो जाता है, जैसे आपको पार्सल मिला ही नहीं और डिलीवर हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपको जो मतलब पार्सल मिला है आपका, वो मतलब चेंज है या टूटा हुआ है उसमें आइटम्स, या मतलब उसमें जो है वो खुला हुआ है इस टाइप से, या मतलब फ्रॉड जो है किसी भी टाइप से होता है तो आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके साथ मतलब अगर किसी भी टाइप का ऑनलाइन आपने शॉपिंग किया, फ्रॉड हो गया, तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे आपको हेल्प मिलेगी। और मैं बहुत सारे कस्टमर केयर के नंबर भी, अलग अलग शॉपिंग ऐप और साइट के आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दूंगा, लेकिन आपको कैसे कॉन्टेक्ट करना है सब कुछ इस वीडियो में देखते हैं, ठीक है। जो भी पहली बार चैनल पे आ रहा है सब्सक्राइब कर लेना, ये वीडियो थोड़ा टॉपिक से हटके है। बाकी इस चैनल पे आपको ऑनलाइन फ्री या सस्ते शॉपिंग वीडियो मिलेंगे। टेलीग्राम पे जाओ, ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको पूरे दिन सस्ते शॉपिंग मिलते हैं, ठीक है। देखो, यहाँ पे सबसे पहली बात ये हो जाती है कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो आपको मतलब ओनली ट्रस्टेड वेबसाइट या ऐप से शॉपिंग करनी चाहिए, जैसे फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, एजियो, ठीक है, अमेजोन। अगर इस टाइप से आप मतलब इस टाइप के ऐप या साइट से आप शॉपिंग करते हो तो बाय चांस आपके साथ मतलब प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आती है या आपके साथ फ्रॉड होता है, तो आपको मतलब आपका पैसा वगैरह रिटर्न होने का चांस रहता है, ठीक है। कोई भी ऐसी न्यू साइट जो मतलब कोई उससे कभी जो है कोई शॉपिंग करता ही नहीं है, वो न्यू आई है, कोई ऐसा नया ऐप जो मतलब अभी उसका कोई भी प्रूफ वगैरह नहीं है कि भाई आपका मतलब ये सामान डिलीवर करता भी है या नहीं, ऐसे ऐप से आपको शॉपिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात देखो, यहाँ पे ये है, जो भी मतलब आप जहां से भी शॉपिंग कर रहे हो, जिस ऐप से भी मान लो आपने शॉपिंग की, तो मतलब वो अच्छा ऐप है तो उसका कस्टमर सर्विस तो 100% होता है, ठीक है। एक कस्टमर केयर के नंबर तो आपको 100% मिलते हैं, जैसे Amazon, Myntra, ठीक है, Ajio, इसके अलावा जो है रिसेलिंग ऐप जैसे Mizo, Glowroad, ठीक है, बहुत सारे ऐप हैं, तो यहाँ पे उनके क्या है कस्टमर सर्विस के नंबर आपको मिलते हैं, तो अगर आप कस्टमर को कॉल करते हो तो आपका 100% मतलब सोल्यूशन होने का चांस रहता है, ठीक है। यहाँ पे एक बात और बता दूं कि अगर आप मतलब कोई भी महंगा आइटम मंगा रहे हो, ठीक है, जैसे 15,000 का या 20,000 का कोई मोबाइल या किसी भी अलग टाइप का आइटम मंगा रहे हो, तो पहली बात तो आपको ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे कि जब भी मतलब कोई मान लो आपने 15,000 का मोबाइल मंगाया, तो उसको जब आप रिसीव करते हो डिलीवरी बॉय से, उस टाइम उसको ओपन करने के टाइम आपको उसका ओपन करने का वीडियो जरूर बनाना चाहिए। बाय चांस ऐसी मिस्टेक आजकल होती नहीं, लेकिन हो जाए कि आपका जो आइटम हो वो चेंज हो, ठीक है, या उसमें जो आपने मंगवाया वो हो ही नहीं, तो आप जो वीडियो बनाएंगे वो आपका प्रूफ रह जाएगा, ठीक है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे एक रियलमी का GT मास्टर एडिशन मोबाइल मंगवाया था 28,000 का, तो मैंने उसका वीडियो बनाया कि बाय चांस उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए, मोबाइल जो चेंज हुआ, तो वो मेरे साथ प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। ऐसी भी मतलब बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसमें आपको वीडियो बनाना चाहिए ताकि आपका वो प्रूफ बन जाए कि हाँ देखो यहाँ पे मैंने ओपन किया और ये मेरे निकला, तो आपका उसमें भी मतलब ये महंगे आइटम पे आपको जरूर करना चाहिए, ठीक है। तो देखो, बहुत सारे ऐप है, उनके तो मैं आपको कस्टमर केयर के नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है। लिस्ट भी आपको मैं एक बार बता देता हूँ, काफी मेहनत करके यहाँ पे मैंने ये लिस्ट बनाई है, ठीक है, काफी सर्च करके ये नंबर यहाँ पे रिसीव किए हैं। सबसे पहले बात देखिए, यहाँ पे मैं नेम बोल रहा हूँ, उनके नंबर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, यहाँ पे मैं नाम बोल रहा हूँ, बाकी आपको सीरियल वाइज जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले Mizo, Glowroad, ये दो रीसेलिंग ऐप है, काफी शॉपिंग होती है इनसे, फ्लिपकार्ट, Amazon, Ajio, Myntra, ठीक है, स्नैपडील, पेटीएम मॉल, इसके अलावा देखिए यहाँ पे शॉपक्लूज से बहुत ज्यादा शॉपिंग होती है, इसके अलावा देखिए यहाँ पे लाइम रोड, ठीक है, इसके अलावा जियो मार्ट, ओएलएक्स से भी मतलब ओएलएक्स से आप कोई सेकेंड हैंड जो है सामान लेते हो, सेकेंड हैंड प्रोडक्ट लेते हो, तो ओएलएक्स के भी कस्टमर सर्विस है, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पे टाटा क्लिक है, डील शेयर है, ठीक है, बिग बास्केट है, इसके अलावा फर्स्ट क्राई यहाँ पे जिसमें बच्चों से रिलेटेड आइटम्स मिलते हैं, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बिग बाजार है, नाइक है, पर्पल ऐप है जो मोस्टली लेडीज के लिए रहता है, मैक्स पैशन, इसके अलावा जारा, ठीक है, ये काफी जो ऐप है मैंने यहाँ पे इनके कस्टमर, अगर इनमें से आपके साथ मतलब कस्टमर से कॉन्टेक्ट करना है तो ये डिस्क्रिप्शन में जाना है, आपको नंबर वगैरह मिल जाएगा। कुछ ऐसे ऐप भी होते हैं जो मतलब कस्टमर सपोर्ट नहीं रखते हैं, वो ईमेल सपोर्ट रखते हैं कि ईमेल से, तो आप उनसे ईमेल से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो देखो, इस टाइप से आप जो कस्टमर से कॉन्टेक्ट करोगे, आप अपनी प्रॉब्लम बताओगे, तो आपका मतलब सोल्यूशन होने का चांस पूरा रहता है। पहले आप जो भी जिस ऐप से भी मतलब आपके साथ कुछ प्रॉब्लम आई है, तो उस ऐप के कस्टमर को आप कॉल करो। इसके अलावा देखो, मतलब जिस कंपनी से आपका जो पार्सल है वो आ रहा था, तो उस कंपनी से भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपका जो पार्सल है वो ई कार्ट कंपनी से आ रहा था,
ठीक है, और उसके बाद आपके साथ किसी भी टाइप का फ्रॉड वगैरह हो गया तो आप कर क्या सकते हो कि यहाँ पे गूगल पे जाके आप जो है इकार्ट जो कस्टमर सर्विस है उसके नंबर रिसीव ले सकते हो, ठीक है, मिल जाए तो ले सकते हो, और उनको भी मतलब बता सकते हो कि भाई हमने जो है आपके कोरियर से हमारा सामान आ रहा था और उसके साथ इस टाइप से हमारा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। इसके अलावा एक और बात जो यहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा नोटिस किया, मोस्टली देखिए जो डिलीवरी बॉयज वगैरह होते हैं, ठीक है, ये मैं नहीं बोल रहा है, ये वो वीडियो के कमेंट बोल रहे हैं, वो लेडीज के साथ काफी जो है मतलब प्रॉब्लम करते हैं, काफी बदतमीजी लेडीज के साथ ज्यादा देखने को मिली है, ठीक है। यहाँ पे एक और जो है मैंने और एक प्रॉब्लम देखी है कि जो डिलीवरी बॉयज होते हैं वो आपके घर तक नहीं आते हैं, ठीक है, तो वो बोलते हैं कि यहाँ पे ये रोड है वहां पे आ जाओ, रोड हो सकता है आपसे काफी दूर हो, ठीक है, तो ऐसे में क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे अगर आपके एरिया में सर्विस है, मान लो फ्लिपकार्ट है, ठीक है, फ्लिपकार्ट की आपके एरिया में डिलीवरी सर्विस है, तो यहाँ पे उसका जो है डिलीवरी बॉयज की फर्ज बनता है कि वो आपके घर तक आए, ठीक है, क्योंकि फ्लिपकार्ट बोलता है कि हम आपके घर तक सामान पहुंचाएंगे, और वहां पे जो डिलीवरी बॉयज होते हैं वो ये बोलते हैं कि भाई आप इस रोड पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। अगर कोई ऐसा करता है वो भी डिलीवरी बॉयज की क्लियर गलती है, क्योंकि यहाँ पे रियल है और रूल के हिसाब से आपके घर तक आपका सामान आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया कुछ, और अगर आपके साथ फ्रॉड वगैरह हो रहा है, कस्टमर केयर के नंबर दिए हैं, जो जिस ऐप से हुआ है उस ऐप से आप जो हेल्प ले सकते हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आ रहे हो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।